नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोगों को पहाड़ा या टेबल की ट्रिक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको पहाड़ा याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप पहाड़ा जैसे ट्रिक लगाएंगे तुरंत बाहर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, अगर मेरे अधिक से अधिक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब दिया है उसको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी वीडियो में डालूंगा और जो भी मेरे वीडियो पड़े हुए हैं उन्हें आप देखिए। दोस्तों आपको शिक्षा बहुत ही आसान लगने लगेगी, बस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कैसे। दोस्तों यहां पर टेबल बहुत दिक्कत होती है, बचपन से ही हम लोगों को स्टार्ट करा दिया जाता है कि पहाड़ा 2 का टेबल 3 का टेबल 4 का टेबल। तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यानी कि 10 तक की जो गिनती है ये ऐसे 1 की टेबल कहेंगे। अब दोस्तों 2 की टेबल आप जानते हैं, 3 की भी टेबल जानते हैं, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। मुझे ये लगता है कि सारे बच्चे 8 तक की टेबल बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, दिक्कत दोस्तों 9 से होती है। तो देखिए मैं ये बताऊंगा कि 9 का जन्म कैसे हुआ या 9 का टेबल बनी कैसे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमको 9 की टेबल लिखना है, तो 9 की टेबल में सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम जानते थे, 0 से स्टार्ट किया, 10 ही डिजिट होते थे, इसे दशमिक प्रणाली सिस्टम बोला जाता है। अब दोस्तों ये 10 तक हो गया, अब यही चीज हम नीचे से उल्टा लिखना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोस्तों 9 का पाड़ा हो गया। देखिए इसको देखेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, 0 9, किसी भी अंक के आगे कितनी भी 0 लगा दें वैल्यू के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये 9 हो गया। उसको यहां देखेंगे 1 18 1 18, यहां पर देखेंगे 27, यहां देखेंगे 36, यहां देखेंगे 50 45, उसको यहां देखेंगे 54, यहां देखेंगे 63, उसको यहां देखेंगे 72, यहां देखेंगे 81 और यहां देखेंगे 90। अब जरा काउंट करके देखिए, तो हमको क्या है, एक का पाड़ा पहले इधर से इधर की तरफ लिखना है और दूसरे में फिर एक पाड़ा यहां से इधर की तरफ लिखना है और दोनों को यहां पर लिख देना है, ये हमारा 9 का टेबल हो गया। दोस्तों अब मैं आपको 10 का, आप जानते हैं दिक्कत होती है 12 से, तो 12 से दोस्तों मैं आपको सुपर ट्रिक बताने वाला हूं, देखिए दोस्तों अब मैं आपको 12 का टेबल का ट्रिक बताता हूं। अगर आपको 12 की टेबल लिखनी है, कितने की, 12 की, तो ऊपर है वो 1 का टेबल है और नीचे लिखना है 2 का टेबल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर लिखा भी गया है, अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं, ये 12 अगर हमको करना है 12 करना है तो ये ऊपर वाला 1 का टेबल और यहां पर लिखते हैं 2 का टेबल, अगर 13 का टेबल लिखना है तो ऊपर 1 का टेबल नीचे 3 का टेबल, और इसको कंबाइंड कैसे करते हैं वो आप देखिए, यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ये हमारा 1 का टेबल है, ये हमारा 2 का टेबल है, दोनों हो गए 12। अब दोस्तों यहां पर जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे 2 12, यहां पर चलेंगे 2 पे 4 24, यहां पर चलेंगे 3 पे 6 36, यहां पर चलेंगे 4 8 हो जाएगा 48। दोस्तों दिक्कत कहां पर होती है उसको ध्यान से देखिए, जब ये 3 वर्ड आ जाए, देखिए यहां पर 5 है 10 है, तो दोस्तों ये वाला वर्ड इसमें जोड़ दिया जाता है, ये वाला वर्ड इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 और नीचे वाला इट जरूर दिया जाता है, यहां पर चलेंगे तो ये वाला इसमें जुड़ेगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और नीचे वाला इट जरूर दिया जाता है, और दोस्तों यहां पर चलेंगे 1 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहां पर ये हमारा कितना हो गया 4 इट रहेगा, यहां पर इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और यहां 6 नीचे वाला 6 रहेगा, यहां पर दोस्तों कितना 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और नीचे 8 रहेगा, यहां पर चलेंगे 10 2 कितना हो जाएगा 12 120 हो जाएगा। दोस्तों करके देख लीजिए, 12 1 12 12 2 24 12 36 12 37 12 56 72 84 86 100 120। अब दोस्तों आप देख लीजिए 13 का पाड़ा, देखिए दोस्तों अगर आपको 13 का पाड़ा लिखना है तो ऊपर 1 का पाड़ा यानी कि 1 से 10 तक गिनती, नीचे 3 का पाड़ा। दोस्तों 14 का लिखना है, 1 का ऊपर गिनती 10 तक गिनती, नीचे 4 का पाड़ा, जहां पर वर्ड मिले उसको जोड़ देना है। फिर जहां 16 का लिखना है, ऊपर 1 का पाड़ा नीचे 6 का पाड़ा। 17 का लिखना है, वही चीज करना है, ऊपर 1 से 10 तक गिनती,
फिर 18 का भी वही करना है, 19 का मैं एक और बता देता हूं उनको, देखिए जैसे 19 का आपको करना है तो पहले एक का पहाड़ा ऊपर रहेगा और नीचे 9 का पहाड़ा आएगा। तो दोस्तों मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक गिनती ऊपर हो गई इस वन के लिए। अब इस 9 के लिए नीचे 9 का पहाड़ा और 9 का मैं अभी ऊपर ट्रिक आपको बता के आया हूं। तो दोस्तों इन्हीं को क्या करते हैं आपस में लिखते हैं, तो देखिए ये कैसे होता है 1 9। अब यहां देखिए 3 वर्ड आ गया, तो दोस्तों जब ये 3 वर्ड आता है तो ये वाला इसमें जुड़ जाता है, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और नीचे 8 रहेगा। दोस्तों इसमें अगर यहां पर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 कितना 5, यहां पर कितना हो गया 7। दोस्तों यहां पर करेंगे तो ये हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 4 3 7, नीचे कितना हो गया 6, यहां पर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 5, यहां पर चलेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 11, यहां पर चलेंगे 6 6 12 13, यहां पर 3 3 हो जाएगा, यहां चलेंगे 7 7 14 15, तो यहां पर दोस्तों 15, यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर चलेंगे 8 9 16 17, यहां पर 17 1 हो गया, तो यहां छोड़ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 119। दोस्तों ये हो गया 19 का पहाड़ा। अब अगर आपको दोस्तों 24 का पहाड़ा लिखना है तो ऊपर 2 की टेबल और नीचे 4 की टेबल, अगर आपको 26 का पहाड़ा लिखना है ऊपर 2 का टेबल नीचे 6 का टेबल और जहां जो वर्ड मिले उसको जोड़ देना है। बस एक चीज आपको और याद रखना है, अगर यहां पर इत्तेफाक से ऐसे आ जाता कि ये 15 और यहां पर मान लीजिए 45 हो जाता तो हमको क्या करना पड़ता, ये वर्ड इसमें जोड़ दिया जाता, ले जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर ये वाला वर्ड हमारा सिंगल है, अगर ये वाला वर्ड हमारा सिंगल है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे मैं 31 का पहाड़ा उठा लेता हूं 31 का पहाड़ा, तो यहां पर क्या मैंने बताया है ऊपर 3 का पहाड़ा तो मैंने ये 3 की टेबल लिख दी और इधर नीचे 1 है तो इधर 1 की टेबल लिख दी। अब अगर इसको हमको कंबाइन करना पड़ा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3 1, और यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 2, और यहां पर क्या हो जाएगा 9 3। अब दिक्कत यहां से आएगी, तो देखिए कैरी इधर से इधर की तरफ जाती है, इस पर कुछ नहीं है, इधर कहीं पर देखिए कैरी नहीं है, तो इसको इट इज लिख देते हैं 1 2 4, यहां पर देखेंगे 1 5 5, इसको इट इज लिख देंगे, इसको जोड़ना नहीं है, अगर इस पर कैरी होती तब हम इसको जोड़ते, और यहां पर देखेंगे तो 1 8 6, यहां देखेंगे 2 1 7, यहां देखेंगे 2 4 8, यहां देखेंगे 2 7 9, यहां देखेंगे 31 0। तो दोस्तों अगर आगे भी आपको 42 का पहाड़ा लिखना है, ऊपर 4 का पहाड़ा नीचे 2 का पहाड़ा, दोस्तों अगर आपको और भी कोई वीडियो बनवानी है किसी टॉपिक की तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, और हमारे सारे वीडियो आप देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।